मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों द्वारा लगातार हड़ताल जारी है। साथ ही साथ हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग शिवपुरी कार्यालय महाप्रबंधक तथा शिवपुरी कलेक्टर को अपनी मांगे रखते हुए एक एक आवेदन भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार 21 जनवरी से यह आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। साथ ही सबका कहना है कि यदि उनकी मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया जाता है तो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी टोटल ब्लैक आउट करने का कदम उठाएंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। द्वारा ये हड़ताल की जा रही किस प्रकार क्या है? ये संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का संविलियन के लिए हड़ताल की जा रही है। क्योंकि क्या है, सरकार आश्वासन पे आश्वासन देती जा रही है लेकिन आज तक उन्होंने लिखित में कोई भी प्रक्रिया नहीं की है। हम भी पहले से भी बहुत ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत हड़ताल कर चुके हैं, अब उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। हमको हड़ताल ही एक माध्यम है जिससे हम शासन को अपनी ताकत दिखा सकते हैं कि सर अब तो कर दीजिए, 10 साल पहले आपने आश्वासन दिया था कि संविदा वालों को हम परमानेंट कर देंगे लेकिन आज दिनांक तक अभी तक संविदा वालों के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी भी क्या मांगे आपकी? यही मांगे, दो प्रमुख मांगे यही है कि आउटसोर्स का संविलियन करें, कंपनी में बिचौलियों को हटाएं, ये कॉन्ट्रैक्टर जो देते हैं बीच में कर देते हैं, ठेकेदार ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करना चाहिए, हमें कंपनी के माध्यम से पेमेंट चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अब आगे क्या करोगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अभी आपने कोई ज्ञापन, देशव्यापी हो रही है, अभी आपने किसी को कोई ज्ञापन दियो? हाँ, कलेक्टर साहब को दिया था, SP साहब को दिया था और हमारे महाप्रबंधक महोदय को दिया है। कब दिया है आपने? कल अल्टीमेटम दिया था कि यदि मुख्यमंत्री हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो हम कल से कार्य बहिष्कार। ये शिवपुरी में ही चल रहा है कि और कहीं में? पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।